ए आंसर बने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं ऑन 31st मार्च सोमराज बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 740। यार अगर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस दे रहा है मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अगर बैंक क्रेडिट बैलेंस दे रहा है मतलब अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। कंपेयरिंग द बैंक स्टेटमेंट विद द कैश बुक ही फाउंड, एक तो बैंक चार्जेस दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, अनप्रेजेंटेड चेक्स दिया हुआ है। बैंक चार्जेस और अनप्रेजेंट। कह रहा है सोमराज अपडेटेड इज कैश बुक एज रिक्वायर्ड। क्या कह रहा है भाई, कैश बुक को अपडेट करना है। विच फिगर फॉर बैंक शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। यार देखो बैलेंस शीट में कौन सा बैंक बैलेंस आता है, बैलेंस शीट में हमेशा आता है अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। क्या आता है भाई, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। अब बैलेंस शीट का बैलेंस दो तरीके से निकल सकता है। एक तरीका ये हो सकता था कि अगर वो हमें कैश बुक का बैलेंस दे देता तो हम कैश बुक को क्या कर देते, अपडेट कर देते। लेकिन मुझे बताओ इसने हमें बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का दिया है कैश बुक का दिया है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, BRS बनाएंगे। क्या बनाएंगे, BRS। यार BRS याद है बेटा आपको, BRS कैसे बनती है भाई, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यार BRS में हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। किससे स्टार्ट करते हैं भाई, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस करते हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स। फाइनल आंसर क्या आता है भाई, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ क्या चीज़ ऑलरेडी गिवन है सवाल में, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है। 31st मार्च का कितना दिया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, 740। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है ये पॉजिटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव है। और बैंक चार्जेस तो अगर आपको पता है कि BRS में बैंक चार्जेस नहीं आता, बैंक चार्जेस कहाँ आता है, अपडेटेड कैश बुक में। अनप्रेजेंटेड चेक्स, प्यारे बच्चे अनप्रेजेंटेड इधर आएगा नहीं आएगा, अनप्रेजेंटेड आएगा। अनप्रेजेंटेड नॉर्मली क्या होता है, प्लस होता है, अनक्रेडिटेड यहाँ पे है नहीं। अब हमें उल्टा चलना है, क्या करना है भाई, स्टार्ट करना है बैलेंसेस पर बैंक स्टेटमेंट से और एंड कहाँ करना है, बैलेंसेस पर उल्टा चलना है बेटा। ये जो अनक्रेडिटेड माइनस होता था उसको ऐड कर देंगे और जो अनप्रेजेंटेड ऐड होता था उसको माइनस कर देंगे। 740 में से 150 माइनस कर दे कितना बचेगा, 590 बचेगा। 740 माइनस 150, 590 बच गया। अब ज़रा लॉजिक समझ लो भाई इसकी लॉजिक। यार बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में है 740, ये बैलेंस गलत है। क्यों गलत है, हमें एक सप्लायर को हमने एक चेक दिया है और वो चेक उसने अभी तक कैश नहीं कराया। बताओ आज नहीं तो कल वो चेक कैश करवा लेगा या नहीं करवा लेगा, अनप्रेजेंटेड। आज नहीं तो कल तो करवाएगा ना, जब वो चेक कैश करा लेगा बताओ बैंक बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 740 में तो 150 माइनस कर दें, हमारा बैंक कहाँ पहुँच जाएगा भाई, 590 पे पहुँच जाएगा। तो जो रियल बैलेंस है, जो बैलेंस शीट में आना चाहिए, वो आना चाहिए 590। कौन सा भाई, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक।